हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप मैं आप बिल्कुल सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो ये मैंने सोचा था कि ना ऐसे कुछ ब्लॉग बनाते हैं, एक्ट करूँगी और उसे फिर वो वॉइस ओवर करूँगी। तो यहाँ आ गया था मेरा पर्पस, मेरा प्रोडक्ट जिसमें मैंने बनाया मंगाया था एक लिप ग्लॉस और कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पू, और मेरा पैर बहुत फटता है तो इसके लिए मैंने मंगाया था एक क्रीम और ये पर्पल का कुरियर। मुझे बहुत पसंद है पर्पल ऐप, मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ पर्पल से। तो यहाँ मेरा सामान आ चुका था और मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने। तो आज मैं सब कुछ फटाफट कर रही थी क्योंकि मेरे घर आने वाले थे कुछ गेस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गेस्ट नंदू के हैं। हाँ बिल्कुल सही, नंदू के गेस्ट हैं। तो आज आने वाली थी नंदू की मैम लोग, स्कूल वाली, श्वेता मैम और पूनम मैम, जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि जैसे कि पता है कि मेरा घर बहुत फैला रहता है। तो मैंने उन्हें बोला था कि आने के एक घंटे पहले आप मैम मुझे बता दीजिएगा। तो मैम आने वाली थी 2 बजे से और मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम। फटाफट काम करके मैं बैठ गई थी अंजीर खाने। तो मैं रोज़ 4 नहीं 2 ही अंजीर खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, संडे का दिन था, इसलिए मैंने 4 अंजीर खिलाया था। तो सप्ताह में एक बार मैं उन्हें खिलाती हूँ। बाय गॉड, अंजीर खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत ही उल्टी आती है, लेकिन क्या करूं, मेरी कुछ हेल्थ इशू है जो कि अंजीर से ही ठीक होती है। ना कुछ ऐसे होते हैं जो फीमेल्स में प्रॉब्लम होते हैं जिस वो सिर्फ अंजीर से ठीक होते हैं। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला था खाने के लिए डेली बेसिस पे। तो ये अंजीर ना खाने के समय ना मुझे लगता है कि शायद मैं नर्क का द्वार देख रही हूँ। बिल्कुल सही, अंजीर खाते मुझे लगता है कि मैं नर्क में चली गई हूँ। खैर किसी तरह खाते पीते मैंने उसे, किसी तरह मन को भुलाते हुए उसे निगला। जो निगल नहीं पाती हूँ वो पानी के सहारे बड़े बड़े ग्लास में पानी भर के रखती हूँ, बस थोड़ा सा स्विम करके मैं उसे पानी से निगल जाती हूँ। सोचती हूँ ये तो सच है कि जो भी कड़वे चीज़ होते हैं, जो फ़ायदेमंद होते हैं, वो कड़वे होते हैं, ये सोच के मैं खा जाती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड की। तो कुछ दिनों से मैं नहीं खिला रही थी, जब होता है तो खा लेते हैं क्योंकि वो भी नहीं खा पाते हैं। उनका रिएक्शन देख के आप लोट पोट हो जाओगे। बाबू, आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। आप मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हैं। प्लीज खा लो, बहुत ताकतवर है। नहीं प्लीज खाओ। खा दे ले। पानी लेकर आओ, पानी पानी जल्दी पानी लेकर आओ। अंजीर हम खाए दो टो, खाओ ताकत मिलेगा, इसे खून बढ़ता है, पोटेशियम मिलता है। जल्दी से पानी, ठंडा पानी ले, जल्दी ले, जल्दी ले, जल्दी ले, नहीं तो उल्टी होगा अभी। जल्दी होले 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 होले। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? दो ठो हम खाए, दो ठो तुम खाओ। अब फेंक थोड़ी ना सकते थे, इतना महंगा है, महंगा है, इसलिए बर्फ ले आई है गर्म। इसको खाने से बहुत ताकत मिलता है। हाँ हाँ, पापा का ताकत बकवास है। तो बोलत रहता है तो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट, नंदू की मैम। तो उनके लिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो आज मैंने ना मिक्स फालूदा मंगाया है, उसे मैं बनाऊंगी। तो उसे मैं जाने के टाइम ठंडा सर्व करूंगी। तो उनके आने में भी 1 घंटा बाकी है, उतना देर में मेरा बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मिक्स फालूदा। और ये ना गेस्ट को सर्व करने में बहुत अच्छा होता है। और मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है क्योंकि कुछ तो बनता है, तो मैंने कुछ मेकअप भी कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया। देखो गर्मी में कोई कहीं मेकअप करेगा क्या? तो चलिए बनाते हैं।
तो मेरे यहाँ गेस्ट आए और गए, यहाँ आप देख सकते हो मैंने बर्तन धुल के रख दिया है। तो मैंने इसलिए सामने कैमरा नहीं लाया ना और ना ही फ़ोटो क्लिक किया। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई मेरे घर विज़िट करे और मैं वो खाने वगैरह का खिलाते हुए मैं वीडियो बनाऊँ। तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो मैम लोग फर्स्ट टाइम आई थी मेरे घर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं वीडियो बनाती तो मे भी वो सोच सकती थी कि देखो जितना खिलाती नहीं उससे ज़्यादा वीडियोस बनाती है, या मतलब कैमरा के सामने खिलाना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। आज नेक्स्ट टाइम जब मैम आएंगी तो मैं उनसे मैसेज भी पूछ लिया करूँगी कि मैम ऐसे मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो फर्स्ट टाइम कोई आए ना तो उसे कम्फर्ट मतलब कंफर्टेबल रखना चाहिए, उनका एक कंफर्ट जोन होता है, उसको कभी भी भंग नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ना फर्स्ट टाइम मैम आई थी तो मैंने उनसे ना पूछा और ना बहुत ही कंफर्टेबली मैंने सब कुछ किया और उन्हें भी बहुत कंफर्टेबल फील कराया, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए। अदरवाइज मैंने फालूदा बनाया था, समोसा वगैरह मंगाया था, मैंने घर का कुछ नहीं, बस घर का मैंने बस फालूदा बनाया था, वो खिलाया था। और मैम ने इतना तारीफ़ किया कि मेरा सारा मेहनत फल दे दिया। तो अभी शाम हो चुके हैं और मैंने ये वाला क्रॉकरीज जो होता है वो ना इसका है, जैसे आपको पता है ये वाला सेलो कंपनी का जो आता है ना वो पत्थर का, वो है। तो मैंने इसे परचेस किया था तो ये टूट जाएगा बाकी बर्तनों में, तो मैंने ना इसे निकाला ही नहीं है। जब मैं मतलब अच्छा सा कोई मतलब ऐसा कॉर्नर बनाऊंगी जब वो रखने वाला, तो उस टाइम मैं इसे निकालूंगी। इस वजह से मैं इसे निकालने नहीं, सिर्फ बक्से में रख देती हूँ, जब कोई आता है तो ही निकालती हूँ। तो अभी ना शाम हो गया है, मेरी चाय का टाइम हो गया, तो मैं अभी चाय बना रही हूँ। उसके बाद से मेरे हस्बैंड गए हैं बच्चों के लिए सरप्राइज़ लाने के लिए। अब देखिए एक आता है या दो आता है, वैसे मुझे पता है कि वो अपनी बेटी के लिए ही लाने वाले हैं, बाकी नंदू के लिए नहीं लाएंगे। तो ये तो बात की बात है, तो अभी गया है सरप्राइज लाइन। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खाना नहीं खाया है, तो मुझे थोड़ी सी वीकनेस सी हो रही है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद से बताऊँगी कि क्या आने वाला है। बहुत ही लाजवाब मैं ये सब्जी बनाती हूँ, जो खाते से हाथ जाट से गया। तो ये है सरप्राइज़ मेरे बच्चों का। तो बेटी के लिए आया है रियलमी का फ़ोन और बेटे के लिए आया है इंटेल का फ़ोन, क्योंकि दोनों फ़ोन तोड़ चुके थे। तो आज का दिन जैसे तैसे बीत गया, कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।